बोरमीटा मार्केट के अंदर इतना फेमस कैसे हुआ? क्योंकि इसकी मोस्टली एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताया जाता है कि आजकल की हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपका फेल्योर का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसके अंदर एक शॉर्ट फिल्म बताई जाती है जिसके अंदर एक बच्चा फेल्योर हो जाता है और वो पूरी तरह से हार मान लेता है। फिर उसकी माँ उसको मोटिव करने के लिए खुद को उसके साथ लगा लेती है और ये बताती है कि हार को अपना दुश्मन नहीं अपना टीचर समझो, उससे सीखो और कैसे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदला जा सकता है। और फिर बच्चा वापस अपनी तैयारी के अंदर जुड़ जाता है। इन सभी एडवर्टाइजमेंट में एक चीज कॉमन होती है जिसके अंदर माँ और अपने बच्चों को ही दिखाया जाता है, क्योंकि माँ के इमोशन अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा होते हैं और बस इन्हीं इमोशन का फायदा ये बड़ी बड़ी कंपनियां उठा लेती है। और लास्ट में ये एडवर्टाइजमेंट एक मोटिवेशनल लाइन के साथ खत्म हो जाती है जिसके अंदर बताया जाता है कि हार को मानने में और हार जाने में बहुत बड़ा फर्क होता है और जो लोग हार से आंख मिला सकता है उसकी जीत की तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी जीत की।